लेक्चर्स में बच्चों पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में चर्चा कराई जाएगी। प्रीवियस लेक्चर्स की बात कहें तो उसमें आपने देखा था टेंसेस के बारे में, एंड आपको बताया जा चुका था सेंटेंसेस। आफ्टर दैट बात हुई थी, चर्चा हुई थी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है। लेकिन इस लेक्चर्स में बच्चों बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के, साथ ही साथ आपको बताया जाएगा इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं एंड पार्ट्स कितने होते हैं इसके, सारे के सारे प्रोसेस क्लियर कराए जाएंगे। आफ्टर दैट डिफिनीशन हम देखते हैं। डिफिनीशन क्या होता है? परिभाषा। कहीं भी आप जाते हैं तो अपना इंट्रो देते हैं तो आप परिभाषित किए जाते हैं, यानी कि आप अपना पहले इंट्रोडक्शन देते हैं। तो जस्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच का हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, आफ्टर दैट उसके पार्ट्स देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए कैटेगरी टू विच इज अ वर्ड इज असाइंड इन अकॉर्डेंस विथ इट्स सिंटैक्टिक फंक्शन। कहने का मतलब है बच्चों आपको इंग्लिश टू हिंदी सब कुछ ऑलरेडी बताया जाएगा। एक कैटेगरी, एक ऐसी श्रेणी टू विच जो कि ए वर्ड इज असाइंड, एक जो शब्द होता है उसको सौंप दिया जाता है। ठीक, असाइंड यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है, सौंप दिया गया होता है। इन अकॉर्डेंस किसके अनुसार, कहने का मतलब है एक ऐसी श्रेणी, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होती है एक ऐसी श्रेणी होती है टू विच जो कि ए वर्ड इज असाइंड, एक शब्द के द्वारा वो सौंप दी हो गई होती है। किसके अकॉर्डिंग? विथ इट्स सिंटैक्टिक फंक्शन, खुद के यानी कि उसके, इट्स है, अगर सेल्फ लग जाता तो खुद के हो जाता, ये आपका वर्बल प्रोनाउन में आ जाता। तो क्या होता है? इट्स सिंटैक्टिक फंक्शंस यानी कि खुद के वाक्य विन्यास के क्रियाओं द्वारा। तो एक ऐसी श्रेणी फिर क्या गया है जो विच टू विच यानी कि जो कि ए वर्ड इज असाइंड, एक ऐसा शब्द जो कि सौंप दिया गया होता है इन अकॉर्डेंस किसके अनुसार, विथ इट्स सिंटैक्टिक फंक्शन यानी कि उसके क्रिया विन्यास के अनुसार। तो क्रिया विन्यास के अनुसार होता है, कैसे होता है ये, देयर आर अ फोर, अगर आफ्टर दैट पूछा जाता है, इंट्रोडक्शन तो हो चुका, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, अगर चर्चा होती है कि इसके टाइप्स के बारे में, हम तो यहाँ पे ऑलरेडी बता दे रहे हैं, हेडिंग लिखवा दे रहे हैं, लेकिन आपसे जब कोई पूछेगा तो ऑलरेडी ऐसा नहीं पूछेगा कि टाइप्स बताए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय इन पार्ट्स ऑफ स्पीच टू स्टेप्स, आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के स्टेप्स के बारे में आपका क्या आशय है, या फिर व्हाट डू यू एक्सप्लेन इन पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो ऑलरेडी क्वेश्चन बहुत सारे डाउट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि आप कर रहे हो तो व्हाट आर यू अबाउट, व्हाट आर यू डूइंग, कुछ भी समथिंग्स पूछा जा सकता है, लेकिन अपने माइंड पे निर्भर करता है। तो हम लिखेंगे क्या ये कि देयर आर एट पार्ट्स ऑफ इच स्पीच, स्पीच कंफर्म। अब जब हमारा हो चुका है देयर आर एट पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेमीकॉलन लगा देते हैं, पंक्चुएशन भी आपको ऑलरेडी बताया जाता है, ये हमारा है सेमीकॉलन, ध्यान रखिएगा। फिर लिखते क्या है, सच एज, जैसे कि होता क्या है, नंबरिंग से आप लिख लेंगे, नंबरिंग अगर आप ऐड किए रहेंगे तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहले हम देखते हैं नाउन यानी कि जिसे संज्ञा कहा जाता है, सेकेंड होता है हमारा प्रोनाउन, एंड थर्ड हुआ वर्ब, एंड नेक्स्ट फोर्थ होता है एडवर्ब। ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ये आपको मेहनत करनी पड़ेगी, याद करना पड़ेगा, कहीं भी सर्चिंग की आपकी कंडीशन नहीं आने वाली है, हम ऑलरेडी बता रहे हैं, सिर्फ तो सिर्फ आपको पढ़ना पड़ेगा। तो होता क्या है, दे आर आर, इसे रोमन में ऑलरेडी, रोमन नहीं है, मैथमेटिक्स में इसलिए बता दिया गया है कि आपको, आप एक नज़र भी इस पे अचानक में भी डालें तो आपको नहीं कंफर्म हो जाए, भैया आठ प्रकार के होते हैं तो होते हैं, बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होना है, अगर कन्फ्यूज कर जाते हो तो फ्यूज़ आप ऑलरेडी एग्ज़ाम में भी कर जाओगे। तो ये कंडीशन न ले आए आप, हम भी खुश यानी टीचर भी खुश, बच्चे भी खुश, आप बढ़िया मार्क्स ले आओ, बेस्ट ऑफ लक, एग्ज़ाम भी आपके सन निकट है, तो फटाफट आप क्रैक करने की कोशिश करिए बच्चों। होता क्या है, आठ प्रकार के हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, और छोटी छोटी इसके डिफिनीशन बताए जाएंगे, पार्ट्स बताए जाएंगे, कुछ भी नहीं है, चार से दस लेक्चर्स में आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं होता क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हो गया, इसकी हिंदी जरा लिख लेते हैं, फिर नेक्स्ट वाला हम चलिए यहाँ पे बता देते हैं,
सिक्स देख लेते हैं, प्रीपोजिशन एंड सेवंथ होता है कंजक्शन। यहीं पे बच्चे गलती कर देते हैं, कंजक्शन लिख देते हैं, लेकिन जबकि होता है कंजंक्शन, ज्वाइंट वर्ड है कंजंक्शन। उसके बाद एट पार्ट है आपका इंटरजेक्शन। डेफिनेशंस लिखेंगे, एन इंटरजेक्शन एक्सप्रेसेस इमोशन प्लस सरप्राइज आंसर और फीलिंग ऑफ मोमेंट्स। कंजक्शन का क्या होगा, सब कुछ ऑलरेडी लिखाएंगे, डोंट वरी भैया, इतना फटाफट नहीं चलेंगे कि आपको प्रॉब्लम हो कोई भी। कंजक्शन क्या होता है, जॉइनिंग वर्ड्स आर कॉल्ड कंजक्शन। फिर नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस आर थिंग्स, इसके भी फाइव टाइप्स बताए जाएंगे। वर्ब क्या होता है, वर्ब डिनोट्स एक्शन, सब कुछ बताया जाएगा। तो इसकी जरा हिंदी लिख लेते हैं, होता क्या है, नाउन यानी कि संज्ञा। ऑलरेडी जो घर पे नाउन होते हैं वो सब नहीं है, ये नाउन है, टाइप्स है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जो संज्ञा होता है। प्रोनाउन क्या होता है, सर्वनाम होता है जो संज्ञा के स्थान पे बोला जाता है, इसको भी बताया जाएगा। एंड वर्ब मतलब क्रिया होता है, जो काम किया जा रहा है, उठना बैठना, खाना पीना, नहाना धोना, पढ़ना, रोना, हंसना, सब ऑलरेडी क्रियाएँ हैं। वो एडवर्ब क्या होता है, क्रिया विशेषण होता है, क्रिया विशेषण, ठीक। फिर एडजेक्टिव होता है विशेषण। थोड़ा सा आप इंटरेस्टिंग बात ये जानेंगे, जरा यहाँ पे देख लेते हैं, बेचारा एडवर्ब जो है इतना सातिर दिमाग का है, देखिए, इससे भी दोस्ती कर लिया एंड इससे भी दोस्ती कर लिया, क्रिया भी हो गई विशेषण भी हो गया, मिल करके एडवर्ब बन गया क्रिया विशेषण। तो दोनों से दोस्ती किया है तो कुछ ना कुछ बेनिफिट्स में जाएगा ही जाएगा। तो वर्ब एंड एडजेक्टिव से फ्रेंडशिप करके एडवर्ब बना गया है। तो प्रीपोजिशन क्या होता है आपका, ये तो हो गया संयोजन, संयोजन सूचक, संयोजक सूचक अव्यय। ये होता है विस्मयादिबोधक, बोधक अव्यय। यानी कि जैसे कि आप देखते हैं, अगर जैसे कंफर्म हो रहा है कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है एंड एडवर्ब क्या है, सब कुछ ऑलरेडी आपको बताया जा रहे हैं, कोई तो ये कंडीशन तो है नहीं कि आपको नहीं बताया जा रहा है। अगर ना बताया जा रहा हो तो आप कहिए, हो गया नोट, हो गया नोट, कोई भी बात क्लियर हो रही है ना। कहने का मतलब है आठ प्रकार के होंगे, नाउन हमारा क्या हो गया, संज्ञा सूचक हो गया, प्रोनाउन सर्वनाम हो गया, वर्ब क्रिया एंड एडवर्ब क्रिया विशेषण, एडजेक्टिव विशेषण। जैसे कि हमने बताया क्रिया एंड विशेषण दोनों से रिलेशनशिप होकर के क्रिया विशेषण बन रहा है। प्रीपोजिशन, सॉरी ये भैया हम भूल गए थे, ये होता है संबंध सूचक, लिखना भूल गए थे, लिख लेंगे संबंध सूचक, संबंध सूचक अव्यय, संबंध सूचक अव्यय। और कंजंक्शन क्या होता है, संयोजक सूचक, आपस में ये जोड़ता है, रिलेशनशिप तो दर्शाती है आपका क्या, ये होता है प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन संयोजन सूचक हो जाता है। एंड इंटरजेक्शन क्या होता है, विस्मयाद बोधक अव्यय। जैसे कोई भी चर्चा होती है, कोई भी चीज़ होती है आपको अचानक में हो जाता, कहते हैं अलॉस हैस्टेट, यानी बड़े दुख के साथ कहा जा रहा है कि उसकी मौत हो गई, या फिर उरा आई हैव वन द मैच, बड़ी खुशी की बात है मैंने क्रिकेट को या मैच को जीत लिया। ये तो नहीं कहते हो कि आई हैव पास्ड इन एग्जामिनेशन, हमने एग्जाम को क्रैक कर लिया है, टॉपर बन चुके हैं, पास कर लिया है, खुशियां मनाओगे अच्छे के लिए, क्रिकेट वगैरह तो छोड़ो। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, आप फटाफट आप नोट कर लेंगे, जिसे रिमूव करके हम क्या बताएंगे आपको, डीपली नॉलेज दिया जा रहा है इसमें, लो टू हाई लेवल बताया जाएगा बच्चों, डोंट वरी। आपका आठ प्रकार का तो ये हो गया, लेकिन नाउन भी डिफिनीशन सहित बताया जाएगा, आफ्टर दैट उसके पार्ट्स के भी डिफिनीशन एंड एग्जाम्पल्स मिलने वाले हैं, तो बड़ी एक खुशखबरी आपके लिए होगी। फटाफट इसे चलिए जल्दी से नोट कर लेते हैं, नोट हो गया, चलिए नोट कर लेते हैं, हो गया नोट। चलिए अब हम देखते हैं फर्स्ट कंडीशन आपका आ जाता है नाउन के बारे में, जो कि हम पढ़ चुके हैं, संज्ञा होता है, इसकी हिंदी होती है संज्ञा, ये तो कंफर्म है।
अब हम चलिए इंट्रोडक्टरी पे चलते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट पे किस पे चलते हैं। अरे भैया ये आपका पार्ट ऑफ स्पीच हो चुका। आफ्टर दैट आपका जब फर्स्ट वर्ब में आता है, फर्स्ट उसके पार्ट्स में आता है नाउन, तो नाउन का हम डिफिनीशन देखेंगे और ये भी देखेंगे कि उनके कितने पार्ट्स हैं, ठीक, यानी कि उनके कितने भाग हैं। तो नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस आर थिंग्स। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन कमा फिर प्लेस अथवा थिंग इज कॉल्ड नाउन, इज कॉल्ड नाउन, ठीक। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस आर थिंग, कहने में तो बड़ा ईजी लग रहा है नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस आर थिंग्स, लेकिन जरा ये भी जानते हैं कि आखिर होती क्या है, एक्सप्लेनेशंस क्या होते हैं। बुक्स वगैरह में आप कहीं किसी के मुंह से सुने होंगे, बुक्स में पढ़े होंगे, लेकिन उसका एक्सप्लेन कैसे होता है वो तो ऑलरेडी आपको समझना ही पड़ेगा। नाउन इज द नेम ऑफ, यानी कि संज्ञा ऐसा नाम होता है ऑफ एनी पर्सन, किसी पर्सन अथवा प्लेस या फिर किसी जगह अथवा किसी चीज के जब नाम को बताता है वो हमारा नाउन होता है। जैसे ग्रेट अशोक हम लिख दिए, एग्जाम्पल में क्या कर दिए, एग्जाम्पल को, हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल को आप ऑलरेडी EXAMPLE एग्जाम्पल ऑलरेडी शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है, पूरा फुल में ऐसा लिखते हो, इसको जब शॉर्ट में लिखते हैं तो IE भी लिख सकते हैं, इट्स एग्जाम्पल, एंड या फिर अथवा हाइफन लगा करके EXP भी आप नोट कर सकते हो, ठीक। बड़े ईजी है ना, दो दो तीन तीन चीज जान लिए। चलिए अब आगे फिर देखते हैं होता क्या है। ये तो मेथड आपका हो चुका है कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, नाउन जो होता है, संज्ञा जो होता है किसी भी पर्सन प्लेस अथवा थिंग के नेम को बताता है। जैसे द ग्रेट अशोक, द ग्रेट अशोक, अशोक क्या थे, महान थे। अब ये तो पता है कि अशोक महान थे, ठीक, लेकिन यहाँ पे जो अशोक है ये तो नेम है, ये नेम है, इसलिए हमें कंफर्म हो रहा है कि ये नाउन है, संज्ञा है। क्यों? क्योंकि किसी भी पर्सन को बताएगा। अब नदी तो गंगा यमुना सरस्वती अलग अलग होती हैं, जहाँ पे मिलती हैं संगम नाम ही होता है, सबके पानी भी अलग होते हैं यानी जल भी अलग होता है, लेकिन है तो नदी ही, माने तो देवी माही गई हैं अगर मानते हैं तो, नहीं मानते हैं तो जल ही है। तो अपनी अपनी श्रद्धा है, कहने का मतलब है तो वो जगह जो होगा, जैसे आप ऋषिकेश ले लिए, हरिद्वार ले लिए, इलाहाबाद ले लिए, कानपुर, मतलब कि अलग अलग प्लेसेस आप नेम ले लेंगे, लेकिन जो प्लेस को दर्शा रहा है वो तो नाउन ही है, किसी भी पर्सन एनी पर्सन को बता रहा है, एनी प्लेस को दर्शा रहा है, एनी थिंग्स को इंडिकेट कर रहा है, समथिंग्स इंडिकेट ही कर रहा है, तो ये हमारा क्या हुआ, नाउन हुआ। अब हम इसके जानेंगे टाइप्स के बारे में, एग्जांपल्स भी आप जान लिए, डिफिनीशंस भी जान लिए, ये रहा आपका डिफिनीशन, ठीक है। टाइप्स क्या होता है कि देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन कैपिटल में लिख लेंगे। अब जरा ये देखते हैं कि सेमी कॉलन थोड़ा सा लगा करके देखते हैं क्या, कि अभी तक ने तो आपने पढ़ा क्या कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, तो हमने पढ़ा है कैटेगरी ऑफ स्पीच इज अ वर्ड इज असाइंड इन अकॉर्डिंग्स विद इट्स सिंटैक्टिक फंक्शंस, देयर आर एट टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब जो कि दोनों से रिलेशन हुआ, इंटरजेक्शंस प्रीपोजिशंस यहाँ पे बताया गया था, एंड कंजक्शन, यानी कि नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव प्रीपोजिशन कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन आठ टाइप्स के पढ़े। तो अब नाउन के पहले बारे में चर्चा करते हैं, उसके भी टाइप्स देखते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस आर थिंग्स, यानी कि नाउन जो होता है किसी भी पर्सन प्लेस अथवा थिंग को इंडिकेट करता है, हमारा संज्ञा कहलाता है। जैसे ग्रेट अशोक हो गया, ये तो कंफर्म हो गया, कोई प्रॉब्लम? इफ यू हैव टू एनी प्रॉब्लम यू डिस्कस बाय कमेंट बॉक्स बिकॉज आई एम प्रेजेंटेड इन द टाइम, यानी कि आपको कोई भी बच्चों डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। आप विदाउट एनी हेजिटेशंस एनी क्वेश्चंस आप पुटअप कर सकते हो, बट इन अटेंशन टू इन मैनर ऑफ स्टडीज, ध्यान रहे सिर्फ पढ़ाई के मामले में, कन्फर्म, कोई अदर मैनर नहीं।
तो फिर क्या होता है, टाइप्स इसके होते हैं। अब अभी तक तो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप पढ़े, अब नाउन के टाइप्स पढ़ेंगे कि देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ नाउन सच एज। अब नाउन पांच प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं यही सारी चीज अलग अलग फॉर्म में बताए जाएंगे कैसे होते हैं। सच एज जैसे कि आप फर्स्ट ऐड करेंगे, क्योंकि फर्स्ट नंबरिंग से ऐड कर रहे हैं, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन हुआ। एंड थर्ड क्या है, कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। एंड फोर्थ क्या होगा आपका, ये फर्स्ट हो चुका प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, एंड फोर्थ मटेरियल नाउन। कहते नहीं मटेरियल यानी कि समूहवाचक, सॉरी पदार्थवाचक, समूह मटेरियल नाउन। एंड नेक्स्ट फिर हो जाता है फाइव का कंडीशन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कोई कंफ्यूजन? हाँ भैया है। कंफ्यूजन क्या है कि मैम अभी आपने हिंदी इसका नहीं बताया है, तो हिंदी भी ऑलरेडी बच्चों बताया जाएगा, इसके सारे के सारे डिफिनीशंस भी थी, एग्जांपल्स भी बताए जाएंगे। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो एक थम्स अप जरूर करेंगे, लाइक ही करेंगे, डिसलाइक नहीं करना, क्योंकि आपके एक थम्स अप से हमें भी होता है कि नहीं हमारा पढ़ाया हुआ बच्चों को ऑलरेडी समझ में आ रहा है, वो खुश है, तो हमें भी ये होगा, प्रमोटिंग होगी कि नहीं चलिए नेक्स्ट वीडियो और बनाते हैं बच्चों के लिए। ठीक, इतनी मेहनत से अगर हम आपके लिए एक वीडियो बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, तो आप एक थम्स अप जरूर करेंगे। और हां कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे वीडियो आपको कैसा लगा। नाम क्या लिखते हैं, प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक ऑलरेडी संज्ञा, क्योंकि नाउन है इसलिए ये हमारा हुआ संज्ञा, और प्रॉपर मतलब व्यक्तिवाचक, कॉमन जातिवाचक, कलेक्टिव समूहवाचक, मटेरियल पदार्थवाचक, अब्स्ट्रैक्ट भाववाचक। ठीक, तो कॉमन नाउन क्या होता है, जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। फिर ये होता है कलेक्टिव यानी कि समूहवाचक। बने रहेंगे तो कहीं भी आपको किसी भी लेक्चर्स में कहीं भी समूहवाचक नहीं बताया जाएगा, हम कम से कम मिनिमाइज में आपको 150 कलेक्टिव नाउन बताएंगे। आप जैसे अंगूर तो एक ले लेते हो, ग्रेप कहते हो, दो चार ठुए, एक से ज़्यादा आपके प्लूरल में हो ग्रेप्स लगा देते हो, लेकिन कहीं गुच्छा आ जाता है अंगूर का तो क्या करते हो, क्या लगाओगे, क्या क्लस्टर लगा दोगे, क्लस्टर्स, इट्स रॉन्ग मेथड, ये गलत है आपका बच्चों। क्या करोगे आप कि क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स, इट्स इंडिकेटिंग टू कलेक्टिव नाउन एंड स्टेप ऑफ नाउन, ये कलेक्टिव नाउन को दर्शाता है भैया, और स्टेप किसका होता है, नाउन का होता है। समूहवाचक संज्ञा कर देंगे, इतना हो गया। अब मटेरियल मतलब पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक, क्योंकि पदार्थ होता है वाचक, नाउन है तो संज्ञा। अब एब्स्ट्रैक्ट भाववाचक, सब में वाचक ही वाचक है, वाचना अगर बढ़िया से करते हो तो काम बनता है, नहीं करते हो तो फिर जाता है, क्या बात है, काम ही नहीं होने वाला, तो काम बनाओ भैया, फटाफट पढ़ाई करो, जिससे काम बनेगा, बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि काम बनेगा तो हम भी खुश होंगे। ऑलरेडी भगवान ने हाथ पांव दिया है, माइंड दिया है तो आपको यूजफुल बनाने के लिए, या फिर परेशान करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए नहीं, कि चलिए आज हाँ पढ़ाई कर लेते हैं, अपने माइंड को डिस्टर्ब रखते हो, नेक्स्ट डे पढ़ाई करते हैं, तो एक दिन पढ़ा हुआ नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा स्टेप अगर आप पढ़ेंगे तो एक ना एक दिन जरूर सक्सेस होंगे। चलिए इतना समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे व्हाट इज अ प्रॉपर नाउन। अब इसके भी डोंट वरी स्टेप नहीं है, नहीं तो आप सोचोगे इसके भी स्टेप होंगे, उसके भी स्टेप, उसके भी स्टेप, कितने सारे स्टेप्स होंगे, तो कहीं भी इसके स्टेप नहीं होने वाले भैया। प्रॉपर नाउन के हम डिफिनीशंस विथ एग्जांपल देखेंगे, कॉमन नाउन, कलेक्टिव, सबके यानी कि पांचों के पांचों इस लेक्चर्स में आपको डिफिनीशन मिल जाएगा, जो कि वन लाइनर होगा और बहुत ही इजी होगा, हम थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो इसी में बनाएंगे, ट्रिकी के माध्यम से आपको बताया जाएगा, ट्रिक बता देंगे आपको, फटाफट एक ही बार पढ़ने में याद हो जाएगा। लेकिन उसके पहले हम ये कहना चाहेंगे, आप वीडियो को पुश कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ऑलरेडी पीडीएफ नोट्स की लिंक दी जा चुकी है।
नोट हो गया। चलिए आगे अब हम देखते हैं जो सारा प्रोसेस आपको बताया गया होता है कि प्रॉपर नाउन क्या है हमारा। अभी तक ने तो आपके इसे पार्ट्स के बारे में पढ़ा, अब लेकिन पार्ट्स के हम डिफिनीशंस भी पढ़ेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, इसके डिफिनीशंस। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन प्लेस आर थिंग। इस कॉल टू प्रॉपर नाउन, इतना कंफर्म हो गया। प्रॉपर नाउन क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टी, अभी तक नाउन पढ़े नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस आर थिंग्स, लेकिन इसमें पार्टिकुलर आ चुका है, विशेष तौर पे किसी भी चीज को। जैसे अभी हमने बताया द ग्रेट अशोक, तो वो भी विशेष तौर पे ही था, लेकिन ये पार्टीशन होगा बच्चों कि वो क्या था, एक सिंपली था, और लेकिन ये जो प्रॉपर नाउन होगा एक विशेष रूप से व्यक्तिवाचक, किसी भी व्यक्ति को संबोधित करता है, किसी विशेष, जैसे बफर सिस्टम में कहीं भी आप गए हो या फिर किसी भी पार्टी आपने अटेंड की है। ऑलरेडी हम आप पार्टी अटेंड करते हैं, तो ये वाला जो आपको एग्जांपल्स बताया जाएगा ये ऑलरेडी बहुत बढ़िया समझ में आएगा। किसी भी पार्टी आप अटेंड किया है या फिर पार्टी में गए हैं, वो भी दोस्त के पार्टी में गए हैं, तो वहाँ पे जितने भी कलेक्शंस होंगे, जितने भी लोग इकट्ठे हुए होंगे, उसमें से आप स्पेशली होंगे, पार्टिकुलरली होंगे, किसके, जिसके पार्टी में गए हैं, क्योंकि उसके आप क्या लगते हैं, रिलेशन है, फ्रेंड है, तो कहने का मतलब उसके क्लोजली हैं, तो ये ऑलरेडी आपके लिए बेनिफिट है कि आप उसके क्लोजली हैं, तो आप पार्टिकुलर हैं उसमें, आप विशेष हैं, आप स्पेशली हैं। कन्फर्म अब तो समझ में आ गया होगा कि कुछ और बाकी है। तो ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर, यानी कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, इज द नेम, ऐसा नाम होता है ऑफ ए पार्टिकुलर, किसी भी विशेष पर्सन यानी व्यक्ति को इंडिकेट करता है, किसी भी पर्सन यानी कि पार्टिकुलर प्लेस को बताता है, पार्टिकुलर चीज़ों को बताता है, वो हमारा क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर, जो प्रॉपर नाउन होता है किसी भी विशेष प्रकार के पर्सन, व्यक्ति, प्लेस, स्थान अथवा चीजों को इंडिकेट करता है, वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। फॉर एनी एग्जांपल्स में हम देख लेते हैं, अभी अभी आपको बताया गया, जैसे कि द ग्रेट अशोक, और अशोक इसलिए कैपिटल से लिखा जा रहा है, नाउन है इसीलिए हमने कैपिटल से लिखा। कोई भी व्यक्ति आता है यानी कि पर्सन आता है, कोई भी प्लेस आता है, कोई भी थिंग आती है, जब वो स्पेशली होगा, नाउन इंडिकेट करेगा, तो वो कैपिटल से ऑलरेडी लिखा जाएगा। कंफर्म हो चुका। द महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, फिर क्या हो गया, जैसे शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर पूरा टोटल नाम होता है, इनका लिखना चाहें तो लिख लीजिए, विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर कौन थे, इंग्लिश के जनक, जिस तरह से संस्कृत के कालिदास माने जाते हैं, उसी तरह इंग्लिश के विलियम शेक्सपियर, ना उनके पूर्व कोई था ना भी है, मॉडर्न में भी नहीं है, ऑलरेडी वही चले आ रहे हैं विलियम शेक्सपियर, तो आप भी पढ़ लिख के विलियम शेक्सपियर बने। तो यही आशा करते हैं कि आपको ऑलरेडी समझ में प्रॉपर नाउन आ गया होगा, न समझ में आओ वीडियो पॉज करिए, फिर से आप उसे नोट डाउन करिए, बैकअप करिए, आप फिर से पढ़िए एक बार, रिवाइज करिए, तब भी नहीं समझ में आता है बच्चों, फुल गारंटी के साथ कहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, ऑलरेडी आपको एक नया सेशन बताया जाएगा जो कि आपको ऑलरेडी समझ में जरूर आएगा। फिलहाल तो ये तो 100% आपको समझ में आ ही जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कॉमन नाउन क्या होता है, जातिवाचक जो कि बताता है, कॉमन नाउन इसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, ये होता है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, यानी कि जैसे जातिवाचक बताता है किसी भी जात के, जैसे गर्ल्स हुए, बॉयज हुए, बॉयज में राम, मोहन, सोहन, श्याम, घनश्याम,
मतलब दुनिया भर के ए टू जेड जो नाम होते हैं बॉयज में, लेकिन वो उनकी जो जाति होगी जो आपके कॉमन होंगे वो तो आपको ऑलरेडी बताया जाएगा बॉयज का। और लड़कियों में जैसे सीता, गीता, मीता, मतलब राधिका, सुनीता, ए टू जेड जो दुनिया भर के नाम होते हैं गर्ल्स में, आजकल तो पायल छागल दुनिया भर के काजल रख देते हैं, क्या बात है। पहले रखा जाता था कितना बढ़िया नाम, प्यारा नाम रहता था, लेकिन अब एक एक न्यू मॉडर्न नेम रख रहे हैं। भैया मॉडर्न है तो मॉडर्न रख रहे हैं ना। तो उसमें क्या होता है, वो गर्ल्स को इंडिकेट करा, उनकी जो जाति है वो गर्ल्स को बता रहा है। जैसे डॉग्स में भी बहुत सारे नेम होते हैं, लेकिन जाति जो होगी डॉग्स की होगी, कैट की होगी, बफेलोज की होगी, काउ की होंगी, वो जो जातियाँ हैं वो उनकी अलग अलग होगी। तो सेम चीज़ें रहेंगी, चीज़ें सेम रहेंगी लेकिन उनकी जाति इंडिकेट करेगी कामन की। जैसे एग्जांपल्स लिखते हैं, सबसे पहले हम कामन नाउन देख लेते हैं। ये कामन नाउन को बता रहा है कि जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं डिफिनीशन, एक कामन नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज द सेम काइंड। अभी हमने कहा ना इज द सेम काइंड, खत्म, बात खत्म। इतना इजी मैटर है, आपको ऑलरेडी समझ में आएगा ही भैया, आएगा कैसे जब हम बांध के चलते हैं, वी कैन डू इट एंड वी विल डू इट, हम कर सकते हैं और करेंगे, तो श्योर है कि कर ही लेंगे। ठीक, तो एक कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, ये जो जातिवाचक संज्ञा होता है, ए नेम ऑफ अ पर्सन, वो किसी भी पर्सन, प्लेस अथवा थिंग, किसी भी व्यक्ति, स्थान अथवा चीजों को बताता है, लेकिन कंडीशन कैसी होती है, इज द सेम काइंड की कंडीशन, कंडीशन उसकी इज द सेम काइंड, यानी कि एक ही प्रकार की। अभी हमने बताया ना राम और मोहन में कुछ अंतर नहीं है, राम एंड मोहन में डिफरेंसेस नहीं है, क्यों, क्योंकि इनकी जात जो है लड़कों की है। बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो सकते हैं, आपके फेस कटिंग चेंज हो सकते हैं, माइंड चेंज हो सकता है, व्यू जो होते हैं यानी थिंकिंग चेंज हो सकती है, सब कुछ चेंज है, लेकिन जो इनकी जाति है वो सेम है। ठीक, जो पूछा जा रहा है, जो पुटअप हो रहा है, जो मेन पॉइंट है, इज द सेम कैरेक्टराइजेशन इन बिटवीन द राम एंड मोहन। तो एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे भैया, ये ऐड करिए आप फटाक से। जैसे राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है, राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है। यहाँ पे राम जो है, ये राम क्या इंडिकेट कर रहा है, प्रॉपर नाउन पीएन इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि व्यक्ति को बता रहा है, और जो बॉय है ये कॉमन नाउन इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि राम की जात लड़के की है। समझ में आ गया, राम की जात लड़के की है, ऑलरेडी वैसे पूछा जाए तो ये तो प्रॉपर नाउन हो गया, ये कॉमन नाउन हो गया, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, एंड ए क्या है इसमें, आर्टिकल हो गया। आर्टिकल भी पढ़ाएंगे, दो टाइप्स का होता है, एक डिफिनिट एक इनडिफिनिट। डिफिनिट होता है निश्चित, जो एक प्रकार का होता है द, उसका भी सारा बायोडाटा निकाला जाएगा, एंड जो इनडिफिनिट होता है ए और एन, अलग अलग टाइप्स के बताए जाएंगे। कंसोनेंट के पहले ए लगता है एंड वॉवल के पहले एन यूज होता है, इतना तो बहरहाल आप छोटी सी बेसिक चीजें हैं जानते ही होंगे। कन्फर्म हो चुका, कोई प्रॉब्लम। चलिए अब हम थर्ड स्टेप देखते हैं, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा। इसमें ऐड कर लेंगे समूहवाचक संज्ञा, हुआ। समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ, किसमें, जैसे मटेरियल में आप पदार्थ देखेंगे, लेकिन इसमें कलेक्शन देखेंगे। अभी इसमें तो आपको चीज़ें वगैरह दिखी सेम कंडीशंस में, सेम प्रॉपरली में, वैसे ही सेम इसमें भी देखा जाएगा। ठीक है, लिखेंगे कैसे कि ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ,
ग्रुप ऑफ थिंग्स, नेम ऑफ ए, यानी कि ये क्या है, नेम है, नेम है किसका, ग्रुप ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। पर्सन प्लेस और थिंग तो कॉमन है, गवर्नमेंटी चीजें कहते नहीं है, सरकारी हैं। कहीं भी आप रिलेशन में जैसे बुआ लगते हो, लगती हो, ऑलरेडी होगा लगते हो नहीं, तो क्या बोले जाएंगे, सरकारी बुआ है, पूरे गांव भर की बुआ लगती है, क्या बात है, कहीं भी जाती हैं बुआ ही बुआ, बुआ नाम से विख्यात हो चुके हैं। कोई भी रिलेशन होता है सिस्टर ही लगती हैं, सिस्टर नेम से हो चुका है, बहन जी हो चुकी हैं ऑलरेडी। तो वो सरकारी वाली कंडीशन क्या है, यानी कि गवर्नमेंटी क्या होती है, प्राइवेट होता है, कहीं आज है कल नहीं रहेगा, कोई श्योर नहीं है, लेकिन जो सरकारी हो जाता है तो कंफर्म हो जाता है। तो पर्सन प्लेस एंड थिंग्स जो है ये क्या है, ये ऑलरेडी गवर्नमेंटी कंडीशंस हो चुकी है। गवर्नमेंट कभी नहीं पढ़ते, लिखते हैं गवर्नमेंट लेकिन पढ़ते हैं गवर्नमेंट। ओके, स्पेलिंग क्या होती है देख लेंगे, ये GOVERNMENT, लेकिन पढ़ते हैं गवर्नमेंट, गवर्नमेंट लेकिन लिखते हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट पढ़ोगे तो क्या होगा, हाँ पढ़े हैं इंग्लिश लेकिन थोड़ा सा वीक है, समझ रहे हैं। तो फिर क्या होता है, कलेक्टिव यानी समूह वाचक संज्ञा, एक कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए, कलेक्टिव नाउन यानी समूह वाचक संज्ञा वो संज्ञा होता है जो ग्रुप ऑफ पर्सन प्लेस आर थिंग, जो पर्सन यानी व्यक्ति, स्थान अथवा चीजों को क्या बना दे, ग्रुप में, समूह में ला दे, वो हमारा क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे आप फॉर एनी एग्जाम्पल्स में लिखोगे, दिख रहा है कैमरे में अच्छे से, लिखेंगे क्या, ए क्लस्टर ऑफ ट्रीज, ए क्लस्टर ऑफ ट्रीज, पेड़ों का झुंड, पेड़ों का झुंड कहिए, कुंज कहिए, समथिंग्स आप कुछ भी कह सकते हो, क्लस्टर ऑफ ट्रीज, झुंड कहिए या फिर कुंज कहिए, एज योर विश, ये तो आपके इच्छा पे ना निर्भर करता है, जाहिर करता है। तो क्लस्टर ऑफ ट्रीज हो गया। अब हम कह सकते हैं एक क्लस्टर ऑफ, नेक्स्ट लिख लेंगे क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा, अंगूरों का गुच्छा, ठीक। फिर कह देंगे वेवी ऑफ गर्ल, लड़कियों का समूह, वेवी ऑफ लेडीज, महिलाओं का समुदाय, फिर क्लस्टर ऑफ पेड़ हो चुके हैं आपके बर्ड्स। तो ये सब क्या होता है, जैसे आप अकेले हो तो अलोन बोले जाओगे, यानी कि क्या है, आप सिंगल में हैं, सिंगुलर हैं, एक से दो हुए, एक से भले दो, तो वो डबल बोले जाते हैं, वो तो प्लूरल में आ गए, बहुवचन में आ गए। लेकिन बहुत सारी भीड़ लोगों की लगी हुई रहती है तो क्या बोलते हैं, क्राउड ऑफ पीपुल, देख लीजिए, ए क्राउड ऑफ पीपुल। ऐसे बने रहेंगे तो एक लेक्चर दो लेक्चर हम बना देंगे कलेक्टिव नाउन का, उसमें कम से कम 150 कलेक्टिव नाउन्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन आफ्टर दैट पहले ये पढ़ लेंगे अच्छे से तो ही मिलेगा। एक क्राउड ऑफ पीपुल जो कि होता है, एक क्राउड ऑफ पीपुल, एक कनकोर्स ऑफ पीपुल, थ्रंग ऑफ पीपुल, कुछ भी आप कर सकते हो, समथिंग से एक ही लिखेंगे, लोगों का समूह। ये हम देख लिए लोगों का समूह, क्राउड ऑफ पीपल कंफर्म हो चुका। चलिए अब इसे हम रिमूव करते हैं, फटाफट आप नोट डाउन कर लेते हैं, और साथ ही साथ मैथमेटिक्स भी 10th क्लास का चल रहा है, आप उसे भी देखते चलेंगे, क्योंकि बहरहाल एग्जाम बहुत सन्निकट है आपके, तो एग्जाम सर पे है, पढ़ाई बढ़िया से कीजिए, क्रैक कीजिए, वेल डन एंड बेस्ट ऑफ लक, हम भगवान से यही दुआ करते हैं, तो आप 100 to 100 मार्क्स ले आए। चलिए नोट कर लेते हैं, आफ्टर दैट थर्ड के बाद फोर्थ स्टेप बताया जाएगा, मटेरियल नाउन, नोट कर लें, नोट हो चुका। चलिए बच्चों यहाँ तक नोट हो चुका, अब एकदम व्हाइट बोर्ड है क्लियर, एंड नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो होगा क्या, मटेरियल नाउन में हम सबसे पहले जानेंगे मटेरियल नाउन, नाउन इज द नेम ऑफ
सब्सटेंस विच थिंग्स आर मेट इतना क्लियर हो. ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ सब्सटेंस विच थिंग्स आर मेड. कंफर्म हो गया. यानी कि ए मटेरियल नाउन यानी जो समूहवाचक सॉरी भैया पदार्थवाचक संज्ञा होता है इज द नेम ऑफ वो किसका नाम होता है. नेम ऑफ सब्सटेंस पदार्थ का होता है विच थिंग्स आर मेड जो कि चीज़ों के द्वारा बनाया गया होता है. पदार्थ जो होता है कहीं भी अकेला होता है आप जानते हो नहीं. आप कोई भी चीज़ जैसे चेयर हो गया चेयर आप बना रहे हो तो उसमें अकेला प्लास्टिक ही नहीं यूज होता कई किस्म की चीज़ें मिलकर के यानी मटेरियल एक तैयार होता है. जब वो मटेरियल तैयार हो जाता है तो उसे किसी भी फॉर्म में ढाला जा सकता है. कंफर्म हो चुका. चलिए तो मटेरियल नाउन यानी मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ पदार्थवाचक संज्ञा वो संज्ञा होता है जो कि क्या होता है सब्सटेंस पदार्थ विच थिंग्स आर मेड चीजों के द्वारा बनाया गया है. यानी कि जो पदार्थ होता है पदार्थ चीज बन जाता है वही पदार्थ चीज बन जाता है. जैसे मटेरियल है बहुत सारे चीज बनाए हम चेयर बना देते हैं टेबल बना देते हैं एंड नेक्स्ट टॉपिक्स हम बना देते हैं तो वो सब हमारा क्या है जैसे एक ट्राइपोड है तो उसमें बहुत सारे सिस्टम्स यूज हुए हैं. आयन यूज हुआ है और एक बात ध्यान रखिएगा आयरन कभी नहीं कहा जाता आयन आर साइलेंट है. कन्फर्म हो चुका. आयन यूज होता है प्लास्टिक्स यूज होते हैं एंड बहुत सारे मटेरियल्स बहुत सारे पदार्थ जुड़ करके चीज़ों का निर्माण कर देते हैं वो हमारी कंडीशन मटेरियल की होगी. एग्जाम्पल क्या होता है एग्जाम्पल लिख लेते हैं जैसे चेयर कुर्सी हो गया टेबल हो गया मेज मेज भी बनता है सेम प्रोसेस में वही सारा होता है स्टेप कोई प्रॉब्लम नहीं ना. चलिए अब हम बना देते हैं जैसे ग्लास हो गया आपका पेन हो गया ये सारी चीज़ें बन रही हैं इटसेट्रा. प्रमोशन क्यों कर रहे हो भैया ऑनलाइनर में ही चलो. चलिए इटसेट्रा यानी कि इत्यादि अब इतना समझ में आ गया. चलिए लास्ट स्टेप देख लेते हैं अब्स्ट्रैक्ट के बारे में. अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो कि भाववाचक होता है भाववाचक संज्ञा. थोड़ा सा स्पीड स्लो हो चुका था हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देते हैं फास्ट कर देते हैं वीडियो बहुत लॉन्ग नहीं चला जाएगा. अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है. एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज इंडिकेटिंग टू एक्शन स्टेट एंड क्वालिटी इज कॉल्ड टू अब्स्ट्रैक्ट नाउन. होता क्या है अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब ही होता है भाववाचक संज्ञा. अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब ही भाववाचक संज्ञा हो जाता है. तो कैसे करेंगे एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन अब्स्ट्रैक्ट नाउन और सबके पहले ए लगता था क्योंकि कंसोनेंट होता था. ये देखिए यम कंसोनेंट है लेकिन ये ए जो है वोवेल है इसलिए इसके पहले एन लग गया. ठीक एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ ए क्वालिटी एक्शन एंड स्टेट. एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है इज द नेम वो नाम होता है किसका क्वालिटी इज द क्वालिटी स्टेट. क्वालिटी मतलब क्या होता है गुण हो गया स्टेट मतलब दशा हो जाता है एंड एक्शन. एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो भाववाचक संज्ञा होता है इज द नेम ऑफ ए वो नाम किसका होता है क्वालिटी का यानी गुण का. ये खाने वाला मोलासेस गुण होता है भैया ध्यान रखिएगा. जो अंदर यानी कि इंटरनल पावर होती है इंटरनल मैनर होता है वो क्वालिटी बताया जाता है लेकिन जो खाने वाला गुण होता है वो मोलासेस बोला जाता है. कन्फर्म. स्टेट यानी कि भाव दशा बताता है कंडीशन बताता है एक्शन क्रिया बताता है एक्शन एंड रिएक्शन. कंफर्म. आप पढ़े होंगे बच्चों केमिस्ट्री में पढ़े होंगे एक्शन क्या होता है क्रिया होता है एंड प्रतिक्रिया. जैसे आप एक थप्पड़ मारे किसी को तब तो आप तो एक्शन कर गए बड़े स्टाइल में गए एक्शन कर गए लेकिन वही बंदा लौट करके फिर आपको भी दोबारा अगेन टू ट्राई कर दिया तब क्या होगा वो रिएक्शन हो जाता है. और एक होता है जब आप कोई भी दवा खाते हो तो रिएक्शन कर जाता है दाना वगैरह निकल आता है.
ठीक है। तो वही है रिएक्शन, आपने तो किसी रोग को मारने के लिए यानी कि रोग भगाने के लिए दवा को यूज किया, मेडिसिन यूज किया, लेकिन वो जो है जो दवा था वो हावी पड़ गया, जिससे रिएक्शन कर गया, ठीक है। रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी जिसे बोला जाता है वो कम थे, जिससे वो फाइटिंग करके क्या हुआ, उसके ओवरऑल आ गया। तो अब क्या करते हैं, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ ए क्वालिटी स्टेट आर एक्शन, किसका किसके बताएंगे। अरे भैया कोई पर्सन वगैरह होगा, आप है पर्सन थिंग पर्सन प्लेस और थिंग, किसी भी चीज हुआ, प्लेस हुआ, पर्सन हुआ, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जो वो तीन भाव दशा को बताता है, उसके गुण को बताता है यानी क्वालिटी को बताता है, उसके दशा को बताता है, उसके एक्शन को बताता है। अब चलिए हम इस तीनों के एक्शन को यानी कि फॉर्म्स को लिख लेते हैं, फॉर्म्स को अलग अलग टाइप्स के लिख लेते हैं। जैसे क्वालिटी में क्या क्या आता है, अभी एग्जांपल हम वैसे तो होता है सब कुछ, सारे प्रोसेस जैसे है सबका दिए वैसे दे देते हैं, लेकिन इसमें हम आपको डिफरेंसेस करके एग्जांपल बता देंगे कि कौन क्वालिटी के अंतर्गत आएगा, कौन एक्शन के अंतर्गत आएगा और कौन जो है स्टेट के अंतर्गत आएगा। तो स्टेट यानी राज्य मत समझिएगा, स्टेट यानी कि वो जो भाव है, ठीक है, और स्टेटमेंट हो जाता तो वो तो कथन हो जाता। तो अब क्वालिटी हो गया, स्टेट यानी दशा हो गया, लेकिन सब कुछ किसके अंतर्गत आएगा, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेन है, मेन कैरेक्टर है, ठीक है। अब एक्शन कर दिए, बड़ा एक्शन मार रहे हो, क्या बात है, एक्शन मतलब स्टाइल, क्या बात है, क्रिया होती है, ठीक है। अब यहाँ तक नोट हुआ, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक है, नहीं है ना। चलिए अब जैसे हम क्वालिटी रख रहे हैं, आपके अंदर क्या क्वालिटी है, जैसे ब्राइटनेस की है, ब्राइटनेस यानी कि चमक रहे हो, कोई भी चीज चमक रही होती है तो उसके अंदर की क्वालिटी ही तो है। जैसे काइंडनेस, किसी के प्रति दयालुता की भावना एक्सेट्रा, किसी के प्रति दयालुता की भावना आपकी होती है, बेचारा गिर रहा है जरा उसे उठा दीजिए, साथ में उसका थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए, तो ये सब काइंडनेस है, ठीक है। अब स्टेट क्या होता है, जैसे बॉयहुड बचपना, आपका चाइल्डहुड सॉरी बॉयहुड यानी कि लड़कापन होता है, यूथ होता है, चाइल्डहुड बचपना, यूथनेस ये होता है जब बड़े हो जाते हैं बच्चे। अब एक्शन पे बात आती है, अब जो है हम बात करते हैं किस पे, एक्शन पे। ये एक्शन क्या होता है जरा ये भी देख लेते हैं, एक्शन क्या होता है जैसे कोई भी क्रिया हुए, जैसे लाफ्टर, हंस रहे हो तो लाफ्टर हुआ, आप क्रिया ही तो कर रहे हो। थेफ्ट चोरी करना, फिर क्या हो जाता है, जैसे आप एक्शन किए लाफ्टर हंस रहे हो, थेफ्ट चोरी करना हो जाता है, फिर क्या होता है नेक्स्ट, जैसे आप जब चोरी हुई होती है तो जजमेंट तो चाहिए ही चाहिए होता है, थोड़ा सा गेस लगा लेते हैं जजमेंट के लिए, जजमेंट यानी कि न्याय एटसेट्रा, कन्फर्म हो चुका। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एन एब्स्ट्रैक्ट जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी भी एक पर्सन प्लेस थिंग्स के क्वालिटी एक्शन स्टेट को दर्शाता है, तीनों यानी कि क्वालिटी स्टेट एक्शन को दर्शाता है, वो हमारा भाववाचक होता है। तीनों की एग्जांपल्स जो हैं ये सब एग्जांपल्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएंगे, लेकिन ये सारे सारे डिफरेंसेस हम बता दिए। क्वालिटी जैसे किसी के अंदर ब्राइटनेस हो गया, काइंडनेस हो गया, सब क्वालिटी है। स्टेट बॉयहुड चाइल्डहुड यूथनेस, ठीक। अब एक्शन क्या होता है, लाफ्टर थेफ्ट जजमेंट, अलग अलग टाइप्स के क्या होते हैं, ये आपके एक्शन होते हैं। रिएक्शन की बात नहीं हो रही, नहीं तो वो भी ऑलरेडी बता देते, ठीक है। आई गेस आपको लेक्चर बहुत बढ़िया लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, लेकिन उसके पहले एक थम्स अप जरूर करिएगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में बनाएंगे, आगे के प्रोसेस में आपको बताया जाएगा। कलेक्टिव नाउन्स के सारे स्टेप्स हम बता देंगे, सब कुछ जान चुके हैं, लेकिन कलेक्टिव नाउन किसके किसके
जैसे कलेक्शन होता है, किसका किसका कलेक्शन होता है, सब कुछ आप जान लेंगे एक लेक्चर में। आफ्टर दैट आपको प्रोनाउन की चर्चा कराई जाएगी जो कि 10 प्रकार का होगा, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर्स में मिलेंगे थोड़े से इंतजार के बाद, क्योंकि इंतजार का फल जो होता है बड़ा मीठा होता है। क्या बात है, संतोष का फल बड़ा मीठा होता है। चलिए नोट कर लेते हैं, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर्स में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के।